everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start question number 5, exercise 2.7. So question number 5 mein hamare paas hai find first hai 7 divided by 3.5. ek whole number hai, ek hamare paas decimal number hai. So let's start. 7 divided by 3.5. 7 as it is divided by 3.5 ko I can write it as 35 upon 10. मैं लिख सकती हूँ इसको बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है मींस एक जीरो. सो ये हो गया 35 अपॉन 10. एंड नाउ अभी डिवीजन फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, सो मल्टीप्लाई. ये मैंने स्टेप क्या किया है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिखा है और जो बाद वाला नंबर था उसका रेसिप्रोकल कर दिया. सो वी गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 35. सो मैं 7 और 35 को कट कर सकती हूँ. नाउ मैं इसे कट क्यों कर रही हूँ, आंसर हमें डेसिमल में चाहिए होता, बाकी नंबर्स में हमने डेसिमल में निकाला. इसे कट करने का रीजन ये है कि नीचे कोई भी 10 का मल्टीपल नहीं है, ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, ना 10,000 है. इसलिए इट्स बेटर कि हम यहाँ पे इसको कट करके देखें कि क्या आंसर आता है. सो दिस इज 7 1 जा 7, दिस इज 7 5 जा 35. So this is again 5 or 10 cut sakte hai. 5 1s are 5, 5 2s are 10. So this will give me 2. So iska answer aa gaya 2, which is a whole number. Fine. Coming to the second part. Second part mein hai 36 divided by 0.2. Ab 36 fir se whole number hai aur ek decimal number hai. 36 divided by 2 upon 10. 2 upon 10 लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट मतलब एक जीरो. सो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल. सो ये हो गया 10 अपॉन 2. फाइन. अब इसको अगेन 36 और 2 को आप कट कर सकते हो, इवन 10 और 2 को भी कट कर सकते हो. फाइन. सो 2 वन जा 2 और 36 आएगा 3, आता नहीं 1 आता है, आई मीन 2 1 जा 2 आता है, सो 1 3 हो गया, 1 बचा, दिस इज 6, 16. 16 कब आता है, 8 जा, सो दिस इज 18. नाउ 18 इंटू 10 इज 180 और नीचे 1 है विच मीन्स 180 अपॉन 1 इज 180. सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5. अब 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5 में दोनों ही डेसिमल में है. सो ये हो जाएगा 325 अपॉन 100. 100 क्यों हुआ, बिकॉज डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं. एंड डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 10 बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है. सो नाउ अगेन 325 अपॉन 100 डिवीजन कर नहीं सकते, सो मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5. मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 अपॉन 5 से इसका रेसिप्रोकल से. सो 0 से 0 कट गया. अब इस 5 से हम ये कट कर सकते हैं. सो 5 वन जा 5, 5 के टेबल में 3 आ नहीं सकता. 32 से छोटा क्या आएगा, 6 बचा 2 और 5 25. दिस इज 5 जा बिकॉज 5 5 जा 25. सो दिस इज 65 इंटू 1. 65 अपॉन 10 इंटू 1 10. अब नीचे मेरे पास 10 है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मींस कि 0 के साथ है, मतलब मैं इसको डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ. अगर एक 0 है मतलब कि डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए. सो मैं इसको 6.5 लिख सकती हूँ बिकॉज हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट कर दिया. फाइन. सो नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7. अब आपको 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से. सो अगेन दिस विल बी 3094 अपॉन 100. 100 कैसे आया, डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं. फाइन. सो दिस इज 3094 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय, आई कैन राइट इट एज 07 अपॉन 10 और आई कैन ओनली राइट इट एज 7 अपॉन 10.
ठीक है. अब ये हो जाएगा 3094 अपॉन 100 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज 10 अपॉन 7. फाइन. सो इसको मल्टीप्लाई करने है, इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है. सो डायरेक्ट जीरो से जीरो कट कर देंगे. नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड कि ये 7 से डिवाइड अगर हो जाता है तो नीचे हमारे पास 10 है, मतलब आराम से हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे. सो दिस इज 3094. सो लेट्स स्टार्ट. 7 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 30 ले सकते हैं. सो 7 4 28, यहाँ पे आया 9. 30 minus 28 2. अब 29 से छोटा, अगेन 4 28. नाउ ये आया 4. 9 minus 8 1. 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2. सो दिस इज 442. मीन्स 7 1 7 और ये कट होगा 442 पे, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 442 upon 10. 442 upon 10 equals to, अब यहाँ पे एक जीरो है, अगर ये जीरो उठानी है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए. सो दिस विल बिकम 44.2. डेसिमल के बाद एक जीरो आ रही है. फाइन. लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25. ठीक है. अब 0.5 कैन बी रिटन एज 5 upon 10, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डिवाइडेड बाय 0.25 और 25 upon 100. ठीक है, दो डिजिट्स है डेसिमल के बाद तो 100 आ गया. दिस इज 5 upon 10 मल्टीप्लाई बाय 100 upon 25, रेसिप्रोकल ऑफ दिस. सो नाउ दिस विल कम एज 0 से 0 कट हो सकता है, 5 और 25 कट हो सकता है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं. सो ये हो गया 5 1 5 5 5 25. दिस इज ओके. सो नाउ दिस इज 10 एंड दिस इज 5. अगेन 5 और 10 भी कट हो सकते हैं. दिस इज 5 1 5 एंड दिस विल बी 5 2 10. सो द आंसर इज 2. नाउ सिक्स्थ पार्ट, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25. सो आपको 7.75 को डिवाइड करना है 0.25 से. सो 775 upon 100 डिवाइडेड बाय 25 upon 100. इसमें दोनों में 100 आया बिकॉज पॉइंट के बाद दोनों में टू डिजिट्स हैं. सो दिस विल बी 775 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 100 upon 25, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल होगा. नाउ 100 से 100 कट हो जाएगा, 775 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं. सो लेट्स कट इट विद द 5. सो 5 5s are 25, 7 5 1s are 5, 6 7, 2 बचा, 27 हो गया. सो 5s are 25, 26 27, अगेन 2, 25 5s are. सो ये आ गया 155 और नीचे है 5. अगेन आप इसको कट कर सकते हो, 5 1s are 5 और 5 के टेबल में 155 कब आता है? 15 आता है 3 पे और 5 आता है 1 पे. सो द आंसर इज 31. सो द आंसर ऑफ द सिक्स्थ पार्ट इज 31. सो नाउ लेट्स कम टू द सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15. सो लेट्स स्टार्ट दिस. इसको हम लिख सकते हैं 765 upon 10. लिख सकते हैं इसको हम डेसिमल के बाद एक डिजिट, मतलब एक जीरो, डिवाइडेड बाय 15 upon 100. 15 upon 100 क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं. सो दिस विल बी 765 upon 10 मल्टीप्लाई बाय 100 upon 15. ठीक है. सो नाउ अगेन जीरो से जीरो कट कर सकते हैं लाइक दिस एंड देन 15 और 765 भी कट हो सकता है, 15 और 10 भी कट हो सकता है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं.
सो 5 के टेबल से करते हैं, दिस विल बी 5 3s आर 15, दिस इज 1 बिकॉज 5 1s आर 5, बचा 2, 26, 26 का मतलब है 5 से करेंगे 25, 15 3 से करेंगे, फाइन। सो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 153 है, 3 1s आर 3, 3 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 की जगह क्या आएगा, 12, तो ये हो गया। नाउ 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5s आ, और 3 कब आता है, 1 पे, सो दिस इज 51, और यहाँ पे 10 है, सो 51 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 510, ठीक है, सो दिस इज दी आंसर। नीचे कुछ नहीं है, सो 1 रहेगा, सो इफ इट इज 510 अपॉन 1 विच मींस इट इज 510। कमिंग टू द 8th पार्ट, 8th पार्ट में हमारे पास है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, सो आई कैन राइट दिस एज 378 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 14 अपॉन 10, दोनों में 10 आया बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दोनों में, सो दिस विल रिमेन दिस, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फाइन। सो 10 से 10 कट हो जाएगा पूरा, देन बचा 14 और 378, सो इसको हम 2 से कट करना स्टार्ट करते हैं, दिस विल बी 7 बिकॉज 2 के टेबल में 14 7 पे आता है, एंड इसको अगर हम 2 से करेंगे तो दिस इज 3 1s आर 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 बचा, दिस इज 17, 2 के टेबल में 17 नहीं आता लेकिन 8s आर 16 होता है, देन कम्स 1 बचा 18, 18 कब आता है 9s आर, सो हमारे पास आ गया 189, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 है, सो लेट्स सी 7 के टेबल में 189 आता है, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है, 7 टू 14, दिस विल बी 9 एंड 8 माइनस 4 इज 4, सो दिस इज 7, और अब 49 कब आता है 7 के टेबल में, 7 7 49, सो दिस विल बी 27, 7 1 7 एंड ये आता है 27 पे, सो नाउ 27 इंटू 1 इज 27 अपॉन में 1 इंटू 1 इज 1, सो द आंसर इज 27। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, 9th पार्ट में हमारे पास है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, सो 2.73 को आई कैन राइट इट एज 273 अपॉन 100, 0.73 मतलब दो डिजिट, सो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, और लेट्स जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 12 13 अपॉन 10, अगेन पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब कि नीचे एक जीरो आएगा, सो नाउ 273 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 13, 10 अपॉन 13 क्यों हुआ, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, सो एक जीरो से जीरो कट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड कि 13 के टेबल में 273 आता है या नहीं, सो लेट्स डिवाइड 13 विद 273, 13 के टेबल में 27 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 2s आर 26, सो ये आ गया 3 एंड 7 माइनस 6 इज 1, 13 के टेबल में 13 ऑफ कोर्स आता है, 13 1s आर 13, सो 21 मींस ये हो गया 13 1s आर 13 एंड दिस इज 21, सो अब हमारे पास आ गया 21 अपॉन 10, नीचे 10 बचा हुआ है विच इज इक्वल टू, यहाँ एक जीरो है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एज 2.1, फाइन, सो द आंसर इज 2.1, सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6।